हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएस वॉरियर। अगर आप तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट की, जैसे कि पीसीएस, यूपीएससी और एसएससी, सीजीएल और अदर एग्जामिनेशन लाइक रेलवे, अगर कोई सा अदर भी आप एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ जीके के हर एक टॉपिक के बारे में डिटेल शेयर करूँगी, ठीक है। एंड हर एक टॉपिक की डिटेल को मैं यहाँ पे एनालाइज करूँगी, उसके बारे में चर्चा होगी, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल में न्यू हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड लाइक करिए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं रामसर साइट के बारे में, ठीक है। जैसे आपको पता है कि रामसर साइट हमारे जो इंडिया में टोटल 75 है, और यस 75 एक बहुत ही अच्छा इंडिकेशन हुआ कि हमारे जो अभी हमने इंडिपेंडेंस डे मनाया है, दैट इज 75 इंडिपेंडेंस डे कंप्लीट हो चुका है। और ये बहुत ही अच्छा है कि एक इंडिकेशन था हमारे देश के लिए कि 75 ईयर्स कंप्लीट होने के साथ साथ हमारे रामसर साइट भी 75 ईयर्स सॉरी 75 रामसर साइट भी कंप्लीट हो गए। ओके, तो जहाँ पे ये एक साइड बहुत अच्छी बात हुई, वहीं दूसरी साइड ये हुआ कि स्टूडेंट्स के लिए ये थोड़ा सा चिंता का विषय बन गया कि अरे इतना सारा पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए भी ये सोल्यूशन है यहाँ पे मैं लेकर आई हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है कि जब मैं ठीक है ओके फाइन मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको निमोनिक ट्रिक से कुछ चीज़ों को याद करना सिखाऊंगी, ठीक है। तो जैसे कि आप इस वीडियो में देखेंगे कि मैंने कुछ जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स के कितने रामसर साइट्स हैं, उसके बारे में मैंने फुल डिटेल, पॉइंट टू पॉइंट डिटेल बताया है, और उसमें किस तरीके से आपको याद कर सकते हो वो सारे का सारा मैंने डिटेल किया हुआ है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं रामसर साइट इन 2022। ओके चलिए। आइए स्टार्ट करते हैं रामसर साइट क्या होता है। उससे पहले हमें जानना होगा रामसर कन्वेक्शन क्या होता है। देखिए होता क्या हुआ क्या था कि अगर हम एक इसकी हिस्ट्री पे जाएं, ठीक है, तो 1971, ठीक है, 1971 में ये हुआ था कि ईरान का एक शहर था, ठीक है। ईरान का क्या नाम था? रामसर नाम से ही एक शहर था, ठीक है। आप यहाँ देख रहे हैं रामसर नाम से एक शहर था। उसमें ये हुआ था कि जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी कंट्री हैं, उनके जितने भी गवर्नमेंट थे, उन्होंने क्या एक ट्रीटी साइन किया। ट्रीटी का मतलब क्या होता है ना कि संधि, संधि साइन साइन किया। उसमें उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी वेटलैंड्स हैं, ठीक है, वेटलैंड्स क्या होता है सबसे पहले ये आप जानिए। वेटलैंड्स के बारे में देखिए, वेटलैंड्स क्या होता है कि ऐसी 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 आर्द्र भूमि, ठीक है, आर्द्र भूमि जहाँ पे थोड़ी सी पानी है, नमी है, दलदली सी एरिया है, ठीक है। तो ऐसे दलदली एरिया जो कि मिट्टी क्या करती है, पानी को एब्जॉर्ब करके रखती है अपनी टेंडेंसी के हिसाब से। जितनी उनकी टेंडेंसी होती है उससे ज्यादा, ठीक है, उससे ज्यादा अधिक मात्रा में वो क्या करती है, पानी को एब्जॉर्ब करके रखती है। बट होता क्या है कि वो फुली एब्जॉर्ब नहीं करती है, वो एक दलदला सा एरिया बना देती है, ठीक है। दलदला सा एरिया इस टाइप का होता है कि उसमें बहुत ही जैसे कि एम्फोबियम्स रहते हैं, बहुत सारे जो क्या बोलते हैं ना उसको, जल जीवन टाइप से बोलते हैं, वो वहाँ पे निवास करते हैं, ठीक है। ऐसे एम्फोबियम्स होते हैं, ऐसे एल्गीज होते हैं, फंगी होते हैं, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एक साइकिल बनाने के लिए, ठीक है। तो उस चीज को कंजर्व करने के लिए, उन सब वेटलैंड्स को एक क्या करने के लिए, संरक्षित करने के लिए, हमारे जितने भी ऑल ओवर इंडिया सॉरी ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं, उन्होंने एक ट्रीटी साइन किया, उसी को कन्वेक्शन बोलते हैं। और ये हुआ कहाँ पे था? ये ईरान के एक शहर है रामसर साइट सॉरी रामसर का नाम है ईरान के अंदर, ठीक है, वहां पे इस चीज को, कन्वेक्शन को फॉलो किया गया। अब हुआ क्या कि जब वेटलैंड्स को फाइनली यूनेस्को ने 1971 में जब इन्होंने डिक्लेयर किया था, तो उन्होंने चीजों को अभी डिजिग्नेट किया था, उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझिए डिजिग्नेट एंड डिक्लेयर में क्या फर्क है। देखिए अगर हम कोई भी चीज को मतलब समझ रहे होते हैं उस टाइम, हम उस चीज के बारे में
चीजों को पता लगा रहे होते हैं, ठीक है, वो होता क्या है कि फाइनली हमने उसको डिक्लेयर नहीं किया, फाइनली हमने उस पे क्या किया, साइन नहीं किया, वहां पे जो होते हैं गवर्नमेंट, उन्होंने साइन नहीं किए होते, तो दैट इज अ डिक्लेयर, दैट इज अ डेजिग्नेट, उन्होंने सिर्फ अभी डेजिग्नेट किया है, उन्होंने इस चीज का पता लगाया है, इस चीज के ऊपर खोज किया है, इस चीज के ऊपर लाइक थोड़ा सा डिटेल लेके रखा हुआ है, बट उन्होंने चीजों को डिक्लेयर नहीं किया है, ओके, दैट इज अ डेजिग्नेट, चीज को डेजिग्नेट किया था उन्होंने 71 में, और वो धीरे उन्होंने क्या किया था, ट्रिटी बना रखी थी, ठीक है, तो हुआ क्या था कि बहुत सारे देशों ने इसमें हिस्सा लिया, हमारे इंडिया ने भी हिस्सा लिया, हमारे देश क्यों पीछे रहे भला, कभी पीछे नहीं रहता किसी भी चीज में, हुआ ये था कि हमारी इंडिया ने भी इसमें हिस्सा लिया, तो हमारी इंडिया ने भी इस चीज में ट्रीटी को साइन किया और पता लगाया कि हमारे देश में कितने ऐसे वेटलैंड्स हैं, कितने ऐसे आर्द्र भूमि है जिसको हमें संरक्षित करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ, चलो आगे, अब होता क्या है कि आप देखिए यहाँ पे कन्वेंशन ऑन वेटलैंड ऑफ यूनेस्को इन 1971 कहाँ पे फाइनली हुआ, सिटी हुआ रामसर साइट, रामसर ईरान में, ठीक है, ये फाइनल हुआ, लेकिन इसको ऑब्जर्व कब किया गया, 2 फरवरी 1971 में, ठीक है, 1971 में इस चीज को एब्जॉर्ब किया गया, क्यों किया गया, एब्जॉर्ब करने से क्या हुआ कि जब फाइनली उन्होंने कन्वेंशन को ट्रीटी साइन कर दिया, तो फाइनली हुआ ये कि उन्होंने बोला कि भाई हम क्या करते हैं कि 2 फरवरी को वेटलैंड डे को सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है, वेटलैंड डे सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि जब वेटलैंड डे को हम जब सेलिब्रेट करेंगे ना, तो ये हमारे अंदर एक भावना जगेगी कि चलो ठीक है, हमारे हमारे देश में एक वेटलैंड्स हैं, बहुत सारे वेटलैंड्स हैं, हमें उसको संरक्षित करना है, सो ये एक तरीके से एक जागरूकता की भावना पैदा होगी, ठीक है, सो 2 फरवरी को हमारे हर हर जगह 2 फरवरी को सेलिब्रेशन होता है, ठीक है, अब ये चीज समझ में आ गई, कन्वेक्शन के बारे में चीजें को ऑलमोस्ट क्लियर हो गया, ठीक है, सब यहाँ पे देखिए, द रामसर कन्वेक्शन वॉज अग्रीड फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ कन्वर्जन एंड वाइस ऑफ यूज डोमेस्टिक नेशनल एंड इंटरनेशनल वेटलैंड रीजन फॉर अटेंडिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड, जैसा मैंने अभी आपको जस्ट अभी बताया है कि हमें जो आर्द्र भूमि है, जितने भी वेटलैंड्स है, उसको संरक्षित करने के लिए इस कन्वेक्शन को, ट्रीटी को साइन किया गया, ठीक है, अब देखिए रामसर साइट क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया वेटलैंड्स होते हैं, वेटलैंड्स को ही रामसर क्यों बोला गया है, क्योंकि ईरान में इसका जो कन्वेक्शन है फाइनलाइज हुआ था, ठीक है, कहाँ पे फाइनलाइज हुआ था, ईरान में हुआ था, ठीक है, रामसर में, तो रामसर जब हुआ वहां पे, तो रामसर का नाम ही इसको लगा के रख दिया गया कि रामसर साइट, ओके फाइनल, सो हर जगह जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी भी कंट्री है, सभी में इसी नाम से जाना जाता है, रामसर साइट के नाम से, ओके ये चीज क्लियर होगी, फाइनल दैट इज क्लियर, ओके आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे देखो, इन केस ऑफ इंडिया द रामसर कन्वेक्शन केम इनटू 1 फरवरी 82 में, अच्छा यहाँ पे ये चीज कैसे हुआ, जब 71 में इस चीजें डिक्लेयर होगी तो यहाँ पे 82 में क्यों हुआ, अरे भाई जब धीरे धीरे सभी लोग सिग्नेचर करेंगे ट्रिटी पे, तो ऑब्वियसली किसी का फर्स्ट होगा, फिर किसी का सेकेंड एंड थर्ड एंड ऐसे इस तरीके से करते करते, तो हमारी इंडिया को ये चीजें तब पता चली जब उनके पास वेटलैंड फाइंड हुआ, वेटलैंड कौन सा था, कौन सा वेटलैंड फाइंड हुआ, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कौन सा वेटलैंड फाइंड हुआ, एक तो था चिल्का लेक उड़ीसा, उड़ीसा में चिल्का लेक उड़ीसा में फाइंड हुआ, ठीक है, वेटलैंड्स का, एंड एक था कियोलैडियो नेशनल पार्क राजस्थान में, ठीक है, ये दो एक ही साथ, जब दो एक ही साथ वेटलैंड को फाइंड आउट किया गया, तो इंडिया को लगा, इंडिया की सरकार को लगा कि अरे वाह हमारे पास भी तो वेटलैंड है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इस वेटलैंड को हमें यूनेस्को में रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, राइट, ये एक तरीके का ट्रीटी जो कि साइन करने वाला था, तो उन्होंने क्या किया, इस ये जो दो आपको दिख रहे ना, ये जो दो वेटलैंड से इंडिया ने उसको सबमिट किया, कहाँ पे ट्रीटी पे साइन किया, रामसर साइट में, तो इसी तरीके से हमारी इंडिया का नाम भी क्या पड़ा, रामसर साइट इन इंडिया, ठीक है,
सबसे पहला समझ आ गया ना आपको कौन सा था, दैट इज अ चिल्का लेक इन उड़ीसा, एंड सेकेंड वन कियोलेडियो नेशनल पार्क इन राजस्थान, राइट कंप्लीट। और ये कब हुआ था, ये हुआ था 1981 में। अब यहाँ पे आप चीज पूछोगे कि अरे वाह 1891 में हुआ, 81 में हुआ था तो 82 में क्यों हुआ, फाइनलाइज क्यों हुआ। सो इसका भी एक रीजन है, देखो जैसे मैंने आपको बताया ना डिक्लेरेशन एंड व्हाट व्हाट डिक्लेरेशन एंड डेजिग्नेशन, राइट। सो यहाँ पे 1981 में क्या हुआ था कि डेजिग्नेट किया गया था, इंडिया ने खोज किया था, उनको पता चला था कि हाँ भाई हमारे पास भी वेटलैंड है, ठीक है। जब उनको ये चीज क्लियर हुई 1981 में, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख जैसे मैंने आपको बताया था अभी चिल्का लेक जो था और कियोलेडियो नेशनल पार्क था वो 1981 में दिखा गया, लेकिन हुआ क्या था कि 1982 में उसको जाके डिक्लेयर किया गया, जब उसको लिखा गया वहां पे डिक्लेयर किया गया तो 1982 में ही डिक्लेयर किया। इसीलिए इंडिया में कब मनाया जाता है, 1 फरवरी 1982, सॉरी मनाया नहीं जाता है इसको, कन्वेक्शन को अपने इंडिया में डिक्लेयर हो चुका था, ठीक है, 82 में डिक्लेयर हो गया था। अब देखिए 82 से लेके धीरे 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 बहुत सारे धीरे धीरे जो रामसर साइट है वो धीरे धीरे निकलने लगे, ओके। जब निकलने लगे, ठीक है, मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे देखिए जब धीरे धीरे रामसर साइट निकलने लगे, ठीक है, जब धीरे धीरे रामसर साइट डिक्लेयर होने लगे, तो यहाँ पे देखिए 81 में सबसे पहले कौन आया, दो आए, कौन आए, चिल्का लेक आया और कियोलेडियो नेशनल पार्क आया, ठीक है। उसके बाद 90 में कौन कितने आए, फोर आए, ठीक है, फोर ने वेटलैंड्स को डिक्लेयर किया गया, ठीक है। वो सारा डिटेल मैं आपको पढ़ाऊंगी, आगे देखते हैं किस कैसे कैसे किस तरीके से आ रहा है ये चीजें। फिर 2002 में कितने आए, 13 और वेटलैंड्स को डिक्लेयर किया गया, मतलब देखा गया, उस वहां पे डिक्लेरेशन भी हो गया था। फिर 2005 में 6 और मिल गए, फिर 2012 में एक और मिल गए। सो यहाँ पे आपको जितने दिख रहे ना ये 26 थे, ठीक है, जब 26 डिक्लेरेशन हो गया था रामसर साइट का, ठीक है। तो फिर वहां पे थोड़ा सा स्टॉप लग गया था, ठीक है, स्टॉप लग गया था, क्यों, क्योंकि थोड़ा सरकार भी आ रही थी धीरे धीरे, नरेंद्र मोदी जी आने वाले थे, ठीक है। चलो इसके बारे में थोड़ी देर में बताती हूँ, पहले हम चीजों को क्लियरिफाई करते हैं, ओके। ये चीज क्लियर हुई, द रामसर कन्वेक्शन वॉज अग्रीड फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ द कन्वर्जेशन सॉरी कंजर्वेशन ऑफ वाइस एंड यूज, ये मैंने आपको अभी जस्ट बताया है क्यों इस चीज को रामसर साइट को कंजर्व किया जाता है, क्योंकि उसमें जो छोटे 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 जो होते ना फंगी एल्गी एंड अदर जितने भी कीटाणु और जो बैक्टीरियल पार्ट्स होते हैं जो कि हमारे जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, इवन जितने पशु पक्षियां होती हैं उनके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, ठीक है। सो उनको कंजर्व करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो आपको पता है ना दलदली एरिया में बहुत ही इम्पोर्टेंस बहुत सारी चीजें उगती हैं, ठीक है, उसको कंजर्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सब चीजों को ऑब्वियसली वेटलैंड्स को डिक्लेयर कंजर्व करके रखना पड़ेगा, ठीक है। सो देर इज ऑल्सो रजिस्ट्रेशन ऑफ दो सेंसिटिव वेटलैंड्स रीजन ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस वेयर मेजर इकोलॉजिकल चेंजेस आर अकरिंग। अब आप एक चीज ध्यान से सुनिए, देखो इकोलॉजिकल चेंजेस क्या होती है, जैसे क्लाइमेट चेंजेस होते हैं, आजकल आप क्या देख रहे हो, क्लाइमेट बहुत ही खराब हो गया है। क्यों हो गया है, क्योंकि हमने क्या किया है, नेचर के साथ खिलवाड़ किया है, हमने जो नेचुरल चीजें हैं उनको अपने अकॉर्डिंग अपने यूज के लिए हमने उसको तबाह किया है, बर्बाद किया है, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमें क्या करना है, इकोलॉजिकल चेंजेस को बचाने के लिए हमें क्या करना है, जैसे इकोलॉजिकल चेंजेस कैसे होते हैं, जैसे कि मान के चलो जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं वहाँ पे हल्का फुल्का जो एनवायरनमेंट है, एयर क्वालिटी है वो अच्छा होगा, राइट। जब वहाँ पे एयर क्वालिटी अच्छा होगा तो जो क्लाउड्स की जो सिचुएशन होती है, जो बादलों का गड़कना खड़कना जो भी है
वो अपने टाइम पे करते हैं, राइट। जब वो अपने अकॉर्डिंग करते हैं, अपने हिसाब से चलता है जब नेचर, है ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल चेंजेस, राइट। तो हमें क्या करना होता है, ऑब्वियसली हमें चीज को संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि एज अ ह्यूमन वी आर रिस्पॉन्सिबल टू ऑल दीज थिंग्स, राइट। ठीक है, समझ आ गया ना। सो एंड आर लाइकली टू अकर इन द फ्यूचर ड्यू टू वेरियस फैक्टर लाइक इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, टेक्नोलॉजिकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एंड अदर एंथ्रोपोलॉजिकल कॉसेस। दीज सेंसिटिव रामसर साइट्स आर रजिस्टर्ड अंडर द क्लॉज ऑफ मॉन्स्ट्रस रिकॉर्ड। ओके, देखिए होता क्या हुआ क्या है कि जो रामसर साइट्स के बारे में जैसे मैं बता रही हूँ, मैंने अभी जस्ट आपको क्लियरिफाई किया कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को ध्यान मद्देनजर दे रखते हुए हम हमें क्या करना होता है कि जितने भी वेटलैंड से आर्द्र भूमि है उनको हमें कंजर्व करके चलना पड़ता है। क्यों चलना पड़ता है? क्योंकि उसमें कुछ टेक्नोलॉजिकल रीजन होते हैं, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चरल, जैसे कि आपने देखा होगा ना कि बहुत सालों पहले हमारे जो देश था बहुत ही हरियाली से भरा हुआ रहता था, राइट। बट अब ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो फैक्ट्रीज आ गई हैं, ठीक है, फैक्ट्रीज का डेवलपमेंट हो गया है, जगह जगह फैक्ट्रीज बन गया है, उसकी वजह से क्या हुआ, कुछ प्रो एंड क्रॉन्स हो गए, यानी कि कुछ जगह जो जहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो गया है, लकड़ियों का ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्यों होने लगा? क्योंकि हमने नेचर के साथ खिलवाड़ किया, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि मॉन्स्ट्रस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग इस चीज को प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा कि हम हमारे नेचर के साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि हम प्रिजर्व नहीं करेंगे तो जो जितने भी आसपास के लोग होंगे ना, तो उसको अलग तरीके से नोच बचोड़ देंगे और फिर वो कुछ भी किसी चीज का नहीं रह जाएगा, मतलब किसी काम का ही नहीं रह जाएगा। हमें क्या करना है, रामसर साइट को, मतलब हमें क्या, मतलब सभी को करना है। तो रामसर साइट के लिए हमने ये सारा का सारा बंदोबस्त सरकार ने उठाया है। हमें इस चीज को मान के हुए चलना पड़ेगा कि जितने भी रामसर साइट्स हैं हमें उसको शत नमन करके बहुत अच्छे से रिजर्व करना है, कंजर्व करना है, ठीक है ना। समझ आई बात? क्लियर हुआ? चलिए आगे हम बढ़े, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हमने ये चीजें बात कर ली। आफ्टर जब सरकार बदली, ठीक है, जब 2014 में जब सरकार बदली, उसके बाद से धीरे धीरे कुछ रामसर साइट को देखा जाने लगा, ठीक है। जैसे कि 2019 में कितने आ गए, 11 रामसर साइट आ गए, जो कि मैं अभी आपको ये दिखाने वाली हूँ। ये देखिए, 11 रामसर साइट ऐड हुए थे कब, 2019 में। वो कौन कौन से थे? ये सारे के सारे थे। देखिए, उड़ीसा में और तमिलनाडु में सबसे पहले, यानी कि सबसे ज्यादा किसमें था, रामसर साइट उत्तर प्रदेश में था। लेकिन 2019 के बाद हुआ क्या कि तमिलनाडु में बहुत सारे रामसर साइट देखने को मिली, और सबसे ज्यादा जो तमिलनाडु में रामसर साइट है वो सबसे ज्यादा टॉप में है, यानी कि 14 रामसर साइट यहाँ पे आपको देखने के मिलेंगे। यहाँ पे देखिए, चार तो यही हो गए, ठीक है। फिर है टम्पारा लेक जो कि उड़ीसा में मिला गया, फिर हीराकुंड रिजर्वियर उड़ीसा में अगेन, देन फिर है अंसुपा लेक उड़ीसा। सो ये सारे जितने भी आपको रामसर साइट दिख रहे ना, ये 2019 में इसको देखा गया और डिक्लेयर किया गया, ठीक है ना। क्लियर हुआ ये चीज? ओके, फिर 2020 में भी 5 रामसर साइट को देखा गया। ओके, रामसर साइट को 2005 में भी इसको देखा गया, ठीक है। क्लियर हुआ ये चीज? ओके, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। 2019 2021 में 14 हुआ, 2022 में 19 हुआ, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 75 हो गए रामसर साइट। अब ये भी आप देखिए ना, बड़ा अच्छा संयोग था कि जब रामसर साइट को डिक्लेयर करना, जब बहुत ही अच्छा संयोग था, जब रामसर साइट 2022 में डिक्लेयर हो रहा था, ठीक है, तो रामसर साइट नहीं, सॉरी, पहले जब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे, 75 इंडिपेंडेंस डे हो चुका था, 75 इयर्स हो गए थे कंप्लीट,
तो साथ में ही हमारा क्या आया देखने को मिला, टोटल 75 रामसर साइट भी हमें देखने को मिल गए। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई, अच्छी बात, चलो नेक्स्ट। ठीक है, और इसका सेलिब्रेशन भी पता है कब हुआ, 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस इन इंडिया, और रामसर साइट का भी इसी टाइम पे इस चीज को अमृत महोत्सव के नाम से, मतलब अमृत महोत्सव के हिसाब से जश्न मनाया गया था। ठीक है, अब देखो ये पता है सबसे लार्जेस्ट इंडिया में हमारे पास, यानी कि एशिया का जो कॉन्टिनेंटल आप जानते हो ना इस तरीके से होता है, जैसे ये है अपना भारत, एक मिनट, ठीक है, ये अपना भारत है। ठीक है, सो ये जो कॉन्टिनेंट है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा, ठीक है, सॉरी, यहाँ से ऐसे लेके यहाँ तक का पूरा जो कॉन्टिनेंट है, ये सभी में हमारा जो एरिया है, यानी कि हमारा जो भारत है, भारत में सबसे ज्यादा का ज्यादा क्या मिला है, रामसर साइट है, सबसे हाईएस्ट, मतलब लार्जेस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, बाकी और अदर देश है ना जो आगे पीछे हैं, जितने भी आप मैप में देखेंगे, ठीक है, वहां पे इतने ज्यादा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे इंडिया ने इस चीज को आगे किया हुआ है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है, ऑल क्लियर, राइट। सो ठीक है, ये मैंने बता दिया है आपको कि चिल्का लेक उड़ीसा में, एंड क्यूलेजो नेशनल पार्क जो कि फर्स्ट टाइम 1981 में क्लियर हुआ था, देखने को मिला था, और 82 में इस चीज को डिक्लेयर कर दिया गया था। ओके फाइन, देखिए अब 2020 में भी, 2020 में टोटल कितने रामसर साइट देखने को मिले, पांच। ठीक है, कौन कौन से, एशियन कंजर्वेशन रिजर्व जो कि इसका जो ये खैर साइट नंबर है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे, देहरादून उत्तराखंड में देखने को मिला, एंड ये हुआ था 21 जुलाई 2020 में। ओके फाइन, दूसरा है, फिर है कबरताल वेटलैंड, ठीक है, ये कहाँ पे देखने को मिला, बेगूसराय बिहार में। सो ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। अब मैं यहाँ पे आपको पता है क्या बताने वाली हूँ, बहुत ही इजी वे में आपको बताऊंगी कि, एक मिनट, मैं आपको सबसे पहले एक चीज और बता दूं कि सबसे लार्जेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे पुराना कौन सा रामसर साइट है हमारी इंडिया में। तो सुंदरबन जो वेटलैंड है वो सबसे लार्जेस्ट है वेस्ट बंगाल में, जो आपको पता है ना इस तरीके से जाती है गंगा, ठीक है, गंगा जाती है तो बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है, सो बे ऑफ बंगाल के पास ही ये क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है बहुत सारा। ठीक है, इसके बारे में जो अपनी इंडियन रिवर्स है, इसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, फुल एक प्लेलिस्ट बनाऊंगी जिसमें फुल डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी कि नदियों का कितने ट्रिब्यूट्स हैं, कितने डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, कितने पेनिसुलिन हैं, कितने जो हिमालयाज रेंज के हैं, वो सारा का सारा डिटेल मैं एक वीडियो बनाऊंगी, प्लेलिस्ट बनाऊंगी, उसमें आप जाके देख सकते हैं आने वाले दिनों में। ठीक है, तो अभी यहाँ के लिए जान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे ये नदी आ रही है गंगा नदी, और यहाँ पे ये क्या बना रही है, डेल्टा। तो डेल्टा में यहाँ पे क्या पता है, मैनग्रोव्स होते हैं, मैनग्रोव्स के बारे में पता है ना आपको, जैसे मैनग्रोव्स में क्या होते हैं कि बहुत सारे ट्रीज होती हैं, बहुत अलग अलग टाइप की ट्रीज होती हैं, बहुत ही जंगल वंगल हिसाब से उस टाइप के होते हैं, तो यहाँ पे पता है ये डेल्टा बनाती है और साथ में मैनग्रोव्स भी होते हैं, तो यहाँ पे ही आपको सुंदरबन देखने को मिलेगा। ठीक है, सुंदरबन क्यों नाम पड़ा है ये मैं आपको नदी वाले सिस्टम में बताऊंगी, रिवर सिस्टम में बताऊंगी, फुल डिटेल बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सुंदरबन यहाँ पे वेटलैंड्स है सबसे बड़ा, क्यों बड़ा है यहाँ, क्योंकि क्या है, सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है ये यहाँ पे। ठीक है, ओके, ये चीज क्लियर हुआ, करेक्ट, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा है, रेणुका वेटलैंड है, रेणुका वेटलैंड कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि देखिए हिमाचल एक हिमालय रेंज है, ठीक है, हिमाचल क्या है, एक हिमालयन रेंज है, सो वहाँ पे जितने भी, जैसे मानसरोवर झील है, ठीक है, बाकी और भी अदर झील हैं, वो उससे जो निकलती है ना,
जब नदियों का एक स्राव निकलता है धीरे धीरे, तो वो क्या करती है कि एक छोटा सा एक दलदला से इलाका बना लेती है। ठीक है, जब वो दलदला से इलाका बना लेंगी तो ये इसी को एक वेटलैंड के रूप में जाना गया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए नदी का बहाव बिल्कुल नहीं है, यहाँ से पानी का आना जाना बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे पानी क्या है रुका हुआ है, बिल्कुल स्टॉप्ड है। ठीक है, यहाँ पे पानी जब स्टॉप्ड है हिमालय के अंदर, तो इसी को क्या बोल दिया गया था कि वेटलैंड हो गया। चलो ठीक है, वेटलैंड हो गया, यहाँ पे बहुत सारे दलदली इलाके हैं, काई जमी है, बहुत ही मतलब बहुत सारे जीव जंतु आते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ये सब करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज को क्या कर दिया गया था, वेटलैंड डिक्लेयर कर दिया गया था। एंड यस, ये सबसे स्मॉलेस्ट इसीलिए है क्योंकि ये हिमालय रेंज में, वहां पे ज्यादा पानी का बहाव इतना ज्यादा होता है कि वो वहां पे रुकते नहीं, लेकिन जहाँ पे ये भी रुक जाते हैं वो वहीं पे सेटल्ड हो जाते हैं, तो वो ज्यादा नहीं रुकते, वो बहुत ही कम थोड़े से एरिया में रुक जाते हैं। ठीक है, दैट इज रीजन कि हिमालय रेंज में इतना छोटा क्यों है वेटलैंड, रेणुका वेटलैंड। ठीक है, ये क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ना, चलो आगे बढ़ते हैं। और इसके बारे में हमने पढ़ ही लिया, चिल्का लेक एंड कियोलेजियो नेशनल पार्क जो कि भरतपुर में है राजस्थान में। ठीक है, और सबसे पुराना है, क्यों पुराना है सबसे, क्योंकि ये कि 1981 में इसको डिक्लेयर किया गया था, डिजिग्नेट किया गया था, और 82 में डिक्लेयर किया था। ये चीज क्लियर होगी, हो गई ना, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब देखो मैं यहाँ पे क्या बताने वाली थी, मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोला था कि जो वीडियो है ये मैंने एक निमोनिक ट्रिक से आपको याद करना है, किस तरीके से आप याद कर सकते हैं सारे रामसर साइट को। बहुत ही झंझट था यार, 75 आपको याद करने का है, तो किस तरीके से याद करेंगे, बिल्कुल याद ही नहीं कर पाएंगे ना। तो मैंने एक ट्रिक बनाया है, देखो सबसे जो ज्यादा जहाँ पे रामसर साइट है उसका एक ट्रिक है, बहुत ही शॉर्ट सा ट्रिक है, उसको आप याद करेंगे तो आपको सारे वेटलैंड्स याद हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं सबसे ज्यादा कहाँ है और फिर सबसे कम कहाँ है। ठीक है, सो यहाँ पे देख रहे हैं आप, सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तमिलनाडु में 14 रामसर साइट है, जो कि पहले 10 थे लेकिन 2019 के बाद 4 और ऐड कर दिए गए और ये टोटल हो गए हैं 14। ठीक है, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा थे, ठीक है 10 उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा थे, लेकिन अब सबसे ज्यादा किसके पास है, रामसर साइट किसके पास है, तमिलनाडु में। राइट, क्लियर, चलो आगे आगे बढ़े। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं पंजाब में 6 हैं, उड़ीसा में भी 6 हैं, जम्मू एंड कश्मीर यूटी है जो कि 5 है, गुजरात में 4 है। जैसे कि आप लिस्ट देख रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको अच्छे से समझ लीजिए, पहचान लीजिए, क्योंकि हम इसी के बारे में आगे चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि कितने सारे यहाँ पे बने हुए हैं रामसर साइट, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ऑल क्लियर, चले आगे, चलो आ जाओ, वेरी गुड। चलो सो सबसे पहले मैं बताऊंगी तमिलनाडु रामसर साइट के बारे में, क्योंकि हमने अभी जस्ट क्या पढ़ा कि तमिलनाडु में 14 रामसर साइट है, तो आप 14 किस तरीके से याद करेंगे, इम्पॉसिबल है ना, बिल्कुल याद नहीं हो पाएगा ना। मैं बताती हूँ किस तरीके से याद करना। सो देखो यहाँ पे पहले हम जान लेते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, देखिए पॉइंट पॉइंट ओके सॉरी, यहाँ पे आप सबसे पहले जान लीजिए पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी, फिर दूसरा है चित्रांगुड़ी बर्ड सेंचुरी, फिर है सुचिंद्रम थरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, ये पता है ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट परमानेंटली बंद हो गया है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको ट्रिक में नहीं यूज किया है, ट्रिक भी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जिस तरीके से आप देख रहे हैं। सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं क्या क्या होता है, फिर है वेदुवुर बर्ड सेंचुरी, फिर है काजीरंगकुलम बर्ड सेंचुरी, फिर है केरिकली बर्ड सेंचुरी, फिर है पल्ली करनाई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, फिर है पिच्चावरम मैंग्रोव फॉरेस्ट, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व एंड वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, फिर है वेलोद
सॉरी वेलोर वेलोर बर्ड सेंचुरी, फिर उदया मार्तंडपुरम बर्ड सेंचुरी, फिर वेदांत वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी एंड कुंथाकुलम बर्ड सेंचुरी। अब देखो इतना सारा है यार, कैसे याद होगा? बिल्कुल याद नहीं होगा ना। चलो आप ट्रिक दिखाती हूँ मैं आपको। अच्छा इन सारे के सारे जितने 14 है ना, 14 में से आप है ना ये थर्ड वाला तो काम का नहीं है क्योंकि ये यूजफुल नहीं है, ये बंद हो चुका है परमानेंटली। और एक ये है गल्फ ऑफ मन्नार। अब देखिए यहाँ पे ये इजी है ना, गल्फ ऑफ मन्नार आपको पता है और गल्फ ऑफ खम्भात, क्योंकि गल्फ ऑफ चीजें ना दो ही तीन है, जैसे कि गल्फ ऑफ मन्नार है, गल्फ ऑफ खम्भात है एंड गल्फ ऑफ पेन्नार, ये सारे के सारे अलग अलग हैं। ये इजीली आप याद कर सकते हो क्योंकि ये मन्नार है, तो मन्नार से आप इजीली याद कर सकते हो, तमिलनाडु में पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैंने इसमें ट्रिक में याद नहीं किया। अब यहाँ पे आप ट्रिक को ध्यान से देखिए, मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। ठीक है, क्लियर? चलिए मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कि मान के चलो आपको याद है ना चेन्नई एक्सप्रेस, एक मूवी आई थी ना, चेन्नई एक्सप्रेस की मूवी आई थी। सो आप क्या करना है, उसी से आपको ट्रिक दिमाग में बिठाना है। ठीक है, सो तमिलनाडु से आप याद रखो चेन्नई एक्सप्रेस, चेन्नई एक्सप्रेस, चेन्नई एक्सप्रेस, चेन्नई एक्सप्रेस, चेन्नई एक्सप्रेस। ओके, चलो चेन्नई एक्सप्रेस में क्या होता है ना, ट्रेन में दो लोग होते हैं, तीन फ्रेंड्स होते हैं, एक्चुअली तीन फ्रेंड्स होते हैं। पहले दो फ्रेंड्स कौन से होते हैं, वेदांत, अब यहाँ से ट्रिक ध्यान से समझना, वेदांत और कुंठा करी पालक खाते ही पिच कर गए। पिच बोलते हैं ना जो कड़ी होता है ना, कड़ी चावल, कड़ी वगैरह वगैरह जो भी कड़ी खाने वाला होता है, तो कड़ी और पालक, जब कड़ी और पालक एक साथ मिला के खाएंगे तो मजा नहीं आया ना, तो उन्होंने क्या किया, ऐसे किया फिर पिच कर दिया, ऐसे कर दिया। ठीक है, तो उनको मजा नहीं आया, तो वेदांत और कुंठा करी पालक खाते ही पिच कर गए। तभी कांजी बोली, कांजी देखिए यहाँ पे दूसरे कांजी है ना, थर्ड फ्रेंड आ गई। कांजी बोली कि एल लो विडो, ठीक है यहाँ ध्यान देना, कांजी बोली वेल लो विडो, उदया वेम्बा में चित्र पॉइंट करो तब कड़ी पालक खा पाओगे। ठीक है, क्लियर? एक बार मुझसे मेरे साथ रिपीट करो, चलो फटाफट। चलो वेदांत और कुंठा कली कड़ी सॉरी वेदांत और कुंठा कड़ी पालक खाते ही पिच कर गए। ठीक है, तभी कांजी बोली वेल लो विडो यार, उदया वेम्बा में चित्र पॉइंट करो और एकदम पालक खाओ आराम से बिंदास है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो मैं आपको समझाती हूँ। देखो ये जो वेदांत है, ये आपको दिख रहा है ना वेदांत, यहाँ पे देखो बहुत सारे सब मिल जाएंगे यहाँ पे। ये है वेदांथंगल बर्ड सेंचुरी, ठीक है, वेदांत से वेदांथंगल बर्ड सेंचुरी, फिर है कुंठा से कुंठाकुलम बर्ड सेंचुरी, करी से, ठीक है, करिकुलम सॉरी करी से करी, देखो यहाँ दिखाती हूँ, ये रहा ये रहा, ये देखो करिकिली, ठीक है, करिकिली करिकिली बर्ड सेंचुरी। पालक से देखो ध्यान रखना, पालक से क्या है पल्लीकरनी, ठीक है, पल्लीकरनी मार्श रिजर्व फॉरेस्ट। ओके फाइन, खाते ही पिच, अब पिच से तो याद हो गया ना, पिच वर्मम मैंग्रोव फॉरेस्ट करेक्ट है। फिर तभी कांजी, कांजी बोली, अब कांजी कौन है, कांजी वेयर इज कांजी, कांजी 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 है कांजी रंगकुलम, ठीक है, कांजी रंगकुलम बोली। देखो यहाँ पे क्या है, वेलो, वेलो से हम याद रखेंगे वेलोद बर्ड सेंचुरी, फिर वुडू से याद रखेंगे हम वुडू वुडू ये रहा विलोड, ठीक है, वुडू से क्या है वेलोद बर्ड सेंचुरी, सॉरी सॉरी एक मिनट, वेलो से वेलोद बर्ड सेंचुरी एंड वुडू से ये रहा वुडू वीर बर्ड सेंचुरी, ठीक है, दिस वन वुडू वीर बर्ड सेंचुरी करेक्ट है। उदया से, उदया से वेर इज उदया मंत्रणम सॉरी उदया मार्थंडमपुरम बर्ड सेंचुरी, ठीक है, उदया से आप क्लियर हुआ। वेम्बा से क्या है, वेम्बा से वेम्बा नूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, वेटलैंड कॉम्प्लेक्स वेंडा से। फिर अब देखो चित्र सिंपल सा है, चित्रांगुड़ी बर्ड सेंचुरी, फिर है पॉइंट से, फिर क्या है पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरी, बस हो गया दैट्स इट। अब आप देखो ना कितने हो गए टोटल, वन
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ओके, 13, 14 हमने स्किप कर दिया. 13 कौन सा था? सुचिंद्रम थरूर वेटलैंड हमने स्किप कर दिया है क्योंकि ये काम का नहीं है, परमानेंटली बंद हो चुका है. उसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार हमने पढ़ा नहीं, मतलब हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया ट्रिक में, क्योंकि मन्नार से पता ही चल रहा है ना, मन्ना 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 कौन बोलता है, तमिलनाडु साइड वाले बोलते हैं ना. याद हुआ ना? दैट इज क्लियर, फाइन, वेरी गुड. अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जितने भी है ना, ये जो मैंने आपको ये सारे के सारे 14 है, 14 का मैं फुल डिटेल बताने वाली हूँ, और कितना आप किस तरीके से याद कर पाएंगे इस चीज को, आपको याद करेंगे, ठीक है? अगले हम वीडियो में इस चीज को क्लियरिफाई करेंगे, राइट? क्लियर हुआ ये चीज? चलो आओ. थैंक यू अगर आपने इस चीज को देखा है, वीडियो को समझा है. अगर आपको यहाँ तक भी कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना और शेयर एंड सब्सक्राइब करना. इसके आगे का जितना भी है प्रोसेस मैं आगे वाली वीडियो में लेकर आऊंगी. सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच. थैंक यू.